ने ये साबित कर दिया कि हम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं। आप लोगों ने देखा एक साजिश के तहत हमारा जो इंतखाबी निशान था बल्ला बैट वो हमसे छीना गया। तो इमरान खान के साथ हमने खड़ा होना है, वो जीत चाहे असेंबली के अंदर हो या असेंबली से बाहर, हमें इमरान खान के साथ खड़ा होना है, वाज़ह बर्तरी हासिल है। मगर ये इस फॉर्म 45 को रद्द करके पता नहीं है कि जो है ना इन्होंने कितने जो है ना फॉर्म 45 जो है उन्होंने प्रिंट की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो है ना तशद्दुद के जो है ना वो खिलाफ है। उन्होंने हमें आर ऑफिस छोड़ा, नहीं वहाँ पे हमें परमिशन थी, नहीं किसी को जो है ना नहीं आर ओ था, नहीं वहाँ पे वोट गिने गए, नहीं वहाँ पे हमें रिजल्ट दिए गए। शेखीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नूर खान खिलजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामजद उम्मीदवार अलका PV39 कोयटा 2 से उम्मीदवार था। 8 तारीख को जो इलेक्शन हुए, जो प्रोसेस हुए इलेक्शन का, वो आप लोगों के सामने अलका PV39 पे भी, बलूचिस्तान कोयटा के जितने बाकी जो मैदान थे उस पर भी आप लोगों ने देखा, और पाकिस्तान में भी आप लोगों ने रिजल्ट देखा कि रातों रात किस तरह जो है ना रिजल्ट 2 बजे के बाद 8 तारीख को रिजल्ट 1 आ रहा था, और सुबह सवेरे 9 तारीख से जो है ना वो रिजल्ट 6 जुलाई जा रहे हैं। मैं एक बात आप लोगों को बताना चलूँ कि इलेक्शन प्रोसेस का जो मेन रीड की हड्डी है वो फॉर्म 45। तो फॉर्म 45 के मुताबिक मुझे अक्सरियत मिली, वो बात वाज है। फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार नूर खान खिलजी ने 99 पोलिंग स्टेशन में 7,197 वोट लेकर वाज अक्सरियत हासिल की है, जिसमें दूसरे नंबर पर जुमेतुल इस्लाम के वाहिद आगा है जिसने 5,537 वोट हासिल किए हैं। तीसरी पोजीशन आज़ाद उम्मीदवार बख्त काकड़ की है जिसने 3,719 वोट हासिल किए। फॉर्म 45 के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँ कि फॉर्म 45 का बुनियादी मकसद ये है कि तमाम उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट और प्रेजिडिंग ऑफिसर जो कि सरकार की तरफ से तैनात किए जाते हैं, पोलिंग बंद होने के बाद मुतलका पोलिंग के सारे वोट सारे पोलिंग एजेंट्स के सामने गिने जाते हैं, और इसके बाद फॉर्म 45 पर दस्तखत करने के बाद हर उम्मीदवार के एजेंट को कॉपी अरसाल की जाती है और एक कॉपी बॉलेट बॉक्स में डालकर सील कर दी जाती है। और अगर किसी उम्मीदवार को इस नतीजे पर एतराज़ हो तो आर ओ को ये इख्तियार हासिल है कि चंद दिनों में वो जो वाजे जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डेट दी गई है, जो दिन दिए गए हैं, दिनों के अंदर ये बॉलेट बॉक्स उम्मीदवार उनके सामने खोल कर हिसाब बराबर करके उसमें अक्सरियत होता है कि एक पोलिंग एजेंट पर अगर 10 वोट की गलती तक हो सकती है वो भी शाज़ो नादिर, लेकिन उस गलती को दुरुस्त करके फॉर्म 47 में जारी कर दिया जाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन बनवाने से पहले फॉर्म 49 में तब्दील होता है। तरीक़ा वारदात यहाँ से शुरू होता है कि हमने पहले दिन आर ओ को कहा कि जब 8 तारीख को जब रिज़ल्ट आया और जब टाइम ख़त्म हुआ, हम लोग वहाँ पर जब हमें अक्सरियत मिल रही थी तो रात को 11 बजे मैं आर ऑफिस गया, वहाँ पे मैं बैठा रहा सारी रात, और सुबह 9 तारीख को 10 बजे तक मैं आर ऑफिस में था। जो मुझे वाज़े अक्सरियत मिल रही थी तो मैं फॉर्म 49 का जो है ना वो नोटिफिकेशन लेने गया यहाँ, लेकिन आर ओ ने कहा कि 7 दिन गुजरने के बावजूद हमें जब वहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप जाएँ तो हम जो है ना फॉर्म 49 आपको जो है ना मकसद वो नोटिफाई कर देंगे, तो 7 दिन गुजरने के बावजूद 6 दिन 7 महीने के बावजूद हमें जो है ना नई फॉर्म 49 मिला है, और नई जो वाजी अक्सरियत होने के बावजूद हमें जो है ना फॉर्म 45 के मुताबिक जो मेरी वाजी अक्सरियत थी उसको रद्द किया गया है, और जो एक तीसरे नंबर पे जो आज़ाद कैंडिडेट था उसको जो है ना उन्होंने बर्तरी दी है, उसके अंदर भी जो है ना इन्होंने फिर हमें कहा कि आप ये लेटर मुझे दिए 9 तारीख 10 बजे जो मैं आ रहा था कि आप जो है ना 11 तारीख को आए, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो आएंगे बैठेंगे सबके सामने, जो वो पोस्टल वोट होंगे वो भी गिने जाएंगे, और जो वोट जितने भी फॉर्म 45 के मुताबिक होंगे उसको गिन के उसकी जो है ना फॉर्म 49 की जो है ना वो रिज़ल्ट देंगे। तो फिर 11 तारीख को मैं आर ऑफिस गया, वहाँ पर 10 बजे उन्होंने टाइम दिया था, मैं 9:45 गया वहाँ पर बैठा रहा 2 घंटे में वहाँ पे बैठा रहा, नहीं उन्होंने हमें आर ऑफिस छोड़ा, नहीं वहाँ पे हमें परमिशन थी, नहीं किसी को जो है ना नहीं आर ओ था, नहीं वहाँ पे वोट गिने गए, नहीं वहाँ पे हमें रिजल्ट दिए गए। तो इन्होंने 5-6 दिन के बाद जो हमें फिलहाल जो हमें फॉर्म 47 से जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं वो
बक्काकड़ को जो तीसरे नंबर पे उसको जो है ना बर्फरी दे रहे हैं। तो ये हमें मालूम नहीं है कि ये अगर 445 से तो ये तो नूर खान खिलजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो तो वाजे सीधे तो एक्सेप्ट किए, जो डबल एक्सीडियस है उसको जो है ना तीसरे नंबर पे ला के, जो तीसरे नंबर का जो कैंडिडेट है उसको पहले नंबर पे ला के, जिस तरह की जो है ना ये इलेक्शन के रिजल्ट दिए जा रहे हैं PB39 में, और बाकी आप लोगों ने देखा 263 पे हमारे सादा खान काकड़ जो है ना वाजी एक्सरे से जीत चुके थे, हमारे जो है ना बाबर मुसाखिल साहब वो जीत चुके थे, सद्दाम तरीन साहब वो वाजी एक्सरे से जीत चुके थे, और तो बाकी जो है ना PBs पे हमारे गफार काकड़ साहब वो वाजी एक्सरे से जीत चुके थे, दोदा खान शवारी 43 से वाजी एक्सरे से जीत चुके थे, PB39 पे मैं वाजी एक्सरे से जीत चुका था। तो बावजूद इसके जो इलेक्शन जो और हमारे वोट थे वोटर्स के जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े, मेरी माएँ मेरी बहनें मेरे जितने भी बुजुर्ग नौजवान निकले उस दिन 8 तारीख को, उन्होंने अगर वोट के ज़रिए थे तो उन्होंने हमें वोट दिए, उन्होंने हमें कामयाब किए, जो वोट का जो पावर है वो तो इस्तेमाल हुआ। अभी जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही है नोट की जो पावर है उस पर जो है ना अभी तीसरे नंबर को उसको जो है ना बर्तरी दे रही है, बर्तरी दिए जा रहे हैं, जो वोट हमें पड़े उस पर जो है ना फॉर्म 45 के तहत मुझे वाजी अक्सरियत हासिल है। जहाँ तक आपका सवाल है कि 8 तारीख को सुबह PB39 से लेके बलूचिस्तान में बाकी पूरे पाकिस्तान में सारे लोग निकले एक जज्बे के साथ एक जुनून के साथ, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान उसके वर्क जो नामजद उम्मीदवार है उनको वोट डाला और जुनून के साथ डाला, और हमें वोट जो है ना जो हमारा हक बनता था पाप लोगों को जो है ना, पर लोगों ने ये साबित कर दिया कि हम इमरान खान के साथ कड़े थे कड़े हैं। आप लोगों ने देखा एक साजिश के तहत हमारा जो इंतखाबी निशान था बल्ला बैट वो हमसे छीना गया, इसके बावजूद खान साहब ने अपने पाकिस्तान के जो बाशऊर और बाज़मीर बागैरत अवाम है उनको ये शऊर दिया कि जितने भी हमारे इंतखाबी निशान थे वो उन्होंने खुद मालूम करके हमें वाजी अक्सरियत दे दी। इसके अलावा ये मसले मसाइल हैं, यही तो हमारा रोना है कि भाई पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं PB39 में रात को 3 बजे तक मैं वाजे अक्सरियत पे जो है ना जा रहा था, सुबह 5 बजे जो है ना हमें थोड़े से जो है ना मशकूक रिजल्ट आने शुरू हो गए। अभी आप 445 से अगर देखेंगे तो 445 एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि एक मिसाल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि सेंट मेरी एक स्कूल है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन में आपको मैं ये रिजल्ट भी दे दूंगा, वहाँ पे जो है ना तीसरे नंबर की जो कैंडिडेट है बस उसको 7 वोट पड़े, जो टोटल है वहाँ पे फिर इसको जो है ना 77 दिए गए। इसी तरह ये फॉर एग्जांपल 7 वोट को जब 77 किए गए, इसी तरह 18 वोट को 180 किए गए, जो 120 वोट थे उसको 200 किए गए, इस तरह जो है ना जो ट्रेवलिंग में जो है ना वोट आए हैं, जिस तरह पोस्टल वोट में जो उनको पड़े हैं, जिस तरह फॉर्म 45 को जो है ना रद्द करके पाकिस्तान के जो गयूर अवाम है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट्स को वोट दिए हैं पूरे पाकिस्तान में पूरे बलूचिस्तान में PB39 में मुझे जो है ना वोट पड़े वो रियल वोट है। मैं अक्सरियत जो है ना वोट के हिसाब से PB39 ने मुझे जितवाए, PB39 में जो है ना मेरी माएँ बहनें भाई बुजुर्ग सारे निकले उन्होंने मुझे जितवाए। अभी जब तीसरे नंबर पर आ रहा है इस बंदे को जो है ना जितवा के हमें जो है ना ये समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी जो है ना मकसद ये पाकिस्तान के साथ ये जो है ना ये काम कर रहे हैं, किस तरह ये निज़ाम चला रहे हैं। अभी आपने एक सवाल किया कि मुझे कहा कि भाई के आपके कैंडिडेट जा रहे हैं, मुझे भी जो है ना ऑफर सही है, मुझे भी कहा गया, सिर्फ हमारी गलती एक है कि आप इमरान खान के साथ अगर खड़े हो तो आप कबूल हो, अगर आप इमरान खान के साथ नहीं खड़े हो तो आप कबूल नहीं हो। तो इस तरह की जो है जीत जो वोट के हिसाब से वो तो हम जीत चुके हैं, तो इमरान खान के साथ हमने खड़ा होना है, वो जीत चाहे असम्बली के अंदर हो या असम्बली से बाहर, हमें इमरान खान के साथ खड़ा है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं खड़े रहेंगे, किसी भी सूरत में किसी भी तरह की ऑफर ना में कबूल है ना इस तरह की भी जीत चाहिए। हम इनको बता भी देंगे जो अभी जिस तरीके से हैं चोर दरवाजे से हैं, जिस तरह इन्होंने जो भी गेम किए उनको हम बता देंगे कि अगर आप जाएंगे भी फिर जिस चोर दरवाजे से गए हम आपको छोड़ेंगे नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, पूरे 5 साल में बलूचिस्तान को 745 अरब रुपये मिले, आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या हुआ बलूचिस्तान के अंदर, एक पिंजरा पुल भी नहीं बना। क्वेटा सिटी को देखें, पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखें, बलूचिस्तान के देखें, इन्होंने गर्क कर दिया। मसला क्या है, इसी तरह सिलेक्टेड बंदों को ला के चोर दरवाजे से जो रियल कैंडिडेट्स हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम हमारी माएँ बहनें वोट देती है
उसको रद्द करके एक चोर दरवाजे वाले कैंडिडेट को तीसरे नंबर को पहले नंबर पे ले आते हैं। फॉर्म 45 जो हमारे साथ है वो फॉर्म 45 जो है ना ये हमें वाजे बर्तरी हासिल है, मगर ये इस फॉर्म 45 को रद्द करके पता नहीं है कि जो है ना इन्होंने कितने जो है ना फॉर्म 45 जो है ना उन्होंने प्रिंट किए हैं। जो उनको लेकर आना है वो अलग फॉर्म 45 है, जो हमें मिले बाकी पार्टियों में पार्टियों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे 99 पोलिंग एजेंट्स पे मेरे जो है ना पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, वहाँ पे जमीन के बैठे हुए थे, पश्तूनख्वा के बैठे हुए थे, तो सबको जो है ना पाकिस्तान ये जो पार्टियों को दीवार के साथ लगा के एक जो है ना एक इम्पोर्टेड कॉन्ट्रेक्टर्स बंदों को ला के P-45 पे या बलूचिस्तान के दूसरे इलाकों में मुसलत करके इस तरह के अगर जो है ना इलेक्शन होंगे, इस तरह के उम्मीदवार अगर सिलेक्ट किए जाएंगे, इस तरह पर हमारे ऊपर इलेक्ट किए जाएंगे, तो ये मैं बताता चलूँ कम अज़ कम P-45 में बलूचिस्तान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी हल्के हैं वो इनको नहीं छोड़ेंगे, नई असम्बली के अंदर छोड़ेंगे, रोड़ों के ऊपर भी निकलेंगे, जो हमारे हल्के के अवाम हैं उनका आकर देख कर दे देंगे। तो मैं अपनी माएँ बहनें भाई जितने भी इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, जिन्होंने मुझे कामयाब किया, जिन्होंने मुझे वोट दिए जुनून के साथ, तो मैं अवाम के वोट से तो मैं जीता हूँ, तो वोट के जरिए मैं जीता हूँ, जो नोट के लोग थे वो जो है ना मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होंगे। ये निज़ाम इस तरह से नहीं चल सकता, इनको जो है ना अपनी सोच अपनी फिक्र अपना नज़रिया अपनी पॉलिसी जो है ना चेंज करनी पड़ेगी। देखिए अयूब साहब, रात को मैं 11 बजे आर ऑफिस गई हूँ, जो जितने भी मेरे फॉर्म 45 मुझे मिले उस फॉर्म 45 के तहत मैं तो जो है ना विनिंग आ रहा था, तो मैं वहाँ पर बैठा, मैं अपना जो है ना फॉर्म 49 के लिए जो है ना कि मैं वहाँ से लूँ, सुबह 10 बजे तक मैं आर ऑफिस बैठा हुआ था, वो रिकॉर्ड है वहाँ पे। इन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि 11 बजे 11 तारीख को 10 बजे आप लोग आएंगे, यहाँ पे दोबारा वोट की गिनती होगी, पोस्टल वोट भी निकलेंगे। तो 11 बजे हम लोग जब गए, 11 तारीख को 10 बजे जब हम गए, 1 बजे तक हम वहाँ पर बैठे हुए थे, नहीं आर ओ था, नहीं वहाँ पर उनका स्टाफ था। ये नोटिस अभी भी हमारे पास है, ये नोटिस है जो हमें जो है ना आर ऑफिस से मिला है। तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि जो फॉर्म 45 के तहत जो हमारा रिजल्ट है वो हम मिलेंगे, लोगों ने हमें वोट दिए, लोगों ने मुझे कामयाब किए, तो अगर हमारे मैंडेट को लोगों के वोट के मैंडेट को छीना जाएगा तो हम जो है ना छीने नहीं देंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि वो जो है ना हमें जो है ना जो ऑफ़र मिली है वो आपको पता है कि ऑफर्स मिलती है, सिर्फ ऑफर्स की सिर्फ एक ही बात थी कि अपने PTI के साथ और खान साहब के साथ आप अगर नहीं होंगे तो आप कबूल हो, और अगर आपकी इसके साथ होंगे तो आप ना कबूल हो। हमें जो है ना कोई कबूलियत नहीं चाहिए, हम खान साहब का जो है ना उसके सोच उसके फिक्र उसके नज़रिए के साथ खड़े, हम आवाम के वोट के साथ खड़े, किसी भी इस तरह के ऑफर को ना हम कबूल करेंगे ना हम खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ेंगे। आज जिन लोगों को लेकर आ जाएंगे ना वो आपको पता है, पूरा चेक कर लें, ये इम्पोर्टेड कोस्ट उम्मीदवार थे, ये कहाँ से हैं, किस तरह यहाँ पर मुसरत किए गए, उनका जो है ना नहीं किसी पार्टी के साथ, नहीं किसी हल्के के साथ, नहीं उनका वास्ता है, वो एक PSDP के लिए आए हुए हैं, वो कॉन्ट्रेक्टर्स हैं, तो इस कॉन्ट्रेक्टर्स को जो है ना हल्के के P-45 पे खुसूसन मुसलत किया जा रहा है। तो मैं ये साफ बताता चलूँ कि जो मुझे अपने हल्के के अवाम ने जो मुझे कामयाब करवाया, मुझे वोट दिए, मुझे विन किए, तो उनके मैंडेट को मैं किसी भी तरह से जो है ना चोरी नहीं होने दूंगा। अगर मुझे असम्बली में जाना पड़े तो मैं वहाँ पर हकूक लेकर आऊँगा, अगर किसी साजिश के तहत जो है ना ये हमारे जो है ना वोट को छीना जाएगा, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, जब आपको 3-4 बजे तक जो रिजल्ट पूरे पाकिस्तान में आ रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने देखा कि वो जो है ना वो रिजल्ट चेंज होते जा गए। मकसद हमें ये पता था कि जो है ना 18-20 हो जाएंगे, हमें ये भी पता था कि 16-20 हो जाएंगे, मगर हमें ये नहीं पता था कि 0-20 होंगे। ये फर्स्ट टाइम जो है ना पाकिस्तान की तारीख में हमें सुनने में और देखने में आ रहा है। तो इस तरह के अगर जो है ना ये इलेक्शन करेंगे, इस तरह के लोगों के वोट के जो है ना मैंडेट को छीना जाएगा, इस तरह लोगों के इत्माद को छीना जाएगा, इस तरह के अगर सिलेक्शन होंगे, इस तरह लोगों के जो है ना अपूर्व पैमान होंगे, तो इस तरह ये निज़ाम नहीं चलेगा। मैं सरासर P-45 से इस रिजल्ट को, इस तरह के इलेक्शन को मुस्तरद करता हूँ। देखिए हमारा जो हमें 47 तो हमें फॉर्म 49 भी जो है ना थ्रू सोशल मीडिया जो है ना हमें मिला है, तो ये पोस्टल वोट जो थे वो हमें ये बावर किया गया था कि आप लोग 11 तारीख को 10 बजे आएंगे, पोस्टल वोट वो काउंट होंगे, जो मेरे अपने वोट थे काउंट करने के, अभी मुझे पता चले थ्रू सोशल मीडिया जितने भी मेरे पोस्टल वोट थे, नहीं वहाँ पे काउंटिंग हुई, नहीं वहाँ पे आर ओ है, नहीं वहाँ पे वो वहाँ पे जितने भी हमला है वो गायब है,
और मिल नहीं रहा, 6-7 दिन से हम इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी जो है ना हमारी बात सुनी जी नहीं जा रही, हमारे पोस्टल बोर्ड को फिलहाल थ्रू सोशल मीडिया जो मिला है उसको जीरो किया गया है। तो वही बात मैं जो कर रहा हूँ कि जीरो को 20 करना और 20 को जीरो करना, ये पाकिस्तान की तारीख में 70 में भी इस तरह की 70 की दे में भी जो इलेक्शन हुआ है, इस तरह के इलेक्शन आपको देखने में नहीं मिलेगा। पूरे पाकिस्तान में आप देखें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट को छीने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लोगों को, मेरी माएँ मेरे बहनों को एक सोच दी, एक फिक्र दिए, वो एक जुनून के साथ निकलें, PP 40 पे निकलें, पूरे पाकिस्तान में निकलें। 263 पे हमारे सालार का कट वाजी अक्सरियत थी, बाबर मूसा खेल वाजी अक्सरियत थी, जो है सद्दाम तरीन वाजी अक्सरियत थी, मलक गफार काकड़ की वाजी अक्सरियत थी, दुर्दा खान शावरी की वाजी अक्सरियत थी। 243 पे रात को 3 बजे तक मैं वाजी अक्सरियत ले रहा था, ये 3 बजे के बाद 8 तारीख तक जो रिजल्ट आ रहा था वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुके थे, जो 9 तारीख को जो वोट पड़े उस वोट का जो मुझे पोस्ट वोट पड़े उसके जो है मैं समझ नहीं आ रहा, मेरे जो पोस्टल वोट है वो भी गायब हो गए। आप जो है ना इसका भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा कि कितने वोट पड़े हैं, सुनने में मुझे ये आ रहा था, मैं हमें जो बताया गया था हमारे आरओ की तरफ से कि 1300 वोट पड़े टोटल, अभी जो है ना जो हमें रिजल्ट सुनने में आ रहा है कि कहीं जो है ना 1700 वोट सिर्फ एक ही कैंडिडेट को पड़े, जो इंपोर्टेड कॉन्ट्रैक्टर जो है पैराशूटर यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसकी जो है ना नई आपके आवाम उसको जानते हैं, उसने जो है ना एक पीली टंकी की जो है सियासत की है, नहीं वो नजरिए का वो कैंडिडेट है, नहीं वो किसी पार्टी का है, यहाँ पे तो लोगों को पता है यहाँ पे 50-60-70 साल से लोग वोट जा रहे हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट जा रहे हैं, बाकी जो जितने पार्टीज हैं वो जमीयतुल इस्लाम और बाकी जो पश्तूनख्वा मीडिया में पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी, ऐसे पार्टियों को जो है पढ़ रहे हैं। इस घोस्ट पैराशूटर जो कैंडिडेट है जहाँ से इसको लेकर आए हैं, जिसने भी इकतदार से इसको लेकर आए, तो ये PP 40 के साथ ज्यादती हो रही है, लोगों के वोट के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे अकूल के साथ ज्यादती हो रही है, तो इस तरह की ज्यादती है ना में कबूल है ना करें। देखिए एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत, एक मुनज़्ज़म अतकंडो प्लानिंग के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत हमारे साथ जो है खसूस PP 39 में जो है हमारे साथ प्लानिंग गेम की जा रही है। देखिए 11 तारीख को जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमें 10 बजे बुलवाया गया था, जो आरोज का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड को उन्होंने बड़ी जो है ना स्मार्ट तरीके से, एक साजिश के तरीके से जो है उनको उन्होंने गुजारा। बात ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लेकर गए, आपको पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो है ना अभी आजकल ये पिछले 3-4 साल से जो इसकी जो है ना जो साजिश चल रही है खसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो हम तो जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल, मगर आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो साजिश है पाकिस्तान खसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो वाजे तौर पर बलूचिस्तान के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, मगर फिर भी हम सड़कों पर भी निकलेंगे, हम अपना हुक लेकर लेंगे, जो मेरे जो मुझे वोट पड़े हैं, जो मेरे वोटर्स ने मुझे विन किया इसको हम लोगों ने छोड़ना नहीं है। मैं अभी भी उन कॉन्ट्रैक्टर्स को बता दूँ और उन लोगों को भी बता दूँ जिस कॉन्ट्रैक्टर्स को लिए है कि आवाम के वोट को उनके हकूक को मैं जो है ना वैसे जिस तरह पिछले अखबार में उसको छोड़ा गया, यहाँ पर जो है ना 750 अरब रुपये आए और जो हमारे हल्के में जो है ना मसल अरबों रुपये हैं, उन्होंने वैसे जो है ना PSDP लगा के अभी मैं इनके हकूक लेकर रहूँगा, किसी भी फ्लोर पे, किसी भी फोरम पे, किसी भी स्टेज पे इनको नहीं छोड़ूंगा, अपने आवाम के हकूक को जो है ना जो हकूक है वो मैं लेकर रहूँगा। और मैं फिर आखिर में फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी माएँ मेरी बहनें निकली हैं, मेरे भाई निकले, मेरे बुजुर्ग निकले, उन्होंने खान साहब को वोट डाला है, उन्होंने इमरान खान को नहीं देखा, उन्होंने वोट जो है इमरान खान को दिए, खान साहब के वोट की जो है ना जो मैंडेट है उसको जो है ना साजिश के तहत छीना जा रहा है। तो PP 39 के जो कैंडिडेट हैं इमरान खान के, नूर खान खिलजी और जो मेरे जितने भी वोटर्स हैं वो इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, आखिरी स्टेज तक हम लेकर जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जो है ना तशद्दुद के जो है ना वो खिलाफ है, वो आईनी और कानूनी जो हक है जो भी फोरम्स हैं थ्रू उस स्टेज उस फोरम पर जो है ना अपने हकूक लेंगे और तशद्दुद की सियासत को रद्द करते हैं, जो हमारा हक है जो हमसे जो है साजिश के तहत छीना जा रहा है उसके तहत जो है ना अपना लेंगे।